अस्सलामुअलैकुम ब्यूटीफुल पीपल, क्या बोलती पब्लिक, हाउ डू यू डू स्कूबी डू डू। तो भाई आज हम सुनने वाले हैं, बेसिकली मेरे आगे ऐड आया इसलिए मैं रोक के ना आ गया। हमने कहा यार व्यूज तो चोरी करें, तो भाई वो एक लाइन ही थी जहाँ इंडस्ट्री करे फॉलो वेर आई गो, कुछ ऐसा करके लाइन थी अंजुम की, ये वो वाला सीन हो रहा था। भाई मैं तो परेशान हो गया हूँ, और एक तरह से कहीं ना कहीं ये मोटिवेशन भी है यार, छोटे छोटे यंगस्टर्स जो हैं, जो न्यू कमर रैपर्स हैं, जो इतनी देर से लगे हुए हैं कि ब्रांड्स आर्टिस्ट के पास जा रहे हैं, रैप के पास जा रहे हैं, आर्टिस्ट तो खैर आर्टिस्ट मतलब रैपर के पास जा रहे हैं, तो उम्मीद नहीं हारनी चाहिए ब्रो। काफ़ी ऐसे रैपर्स हैं जो मतलब यार ये लोग दो दो दिन के पता नहीं क्यों रैपर बनते हैं, मतलब 3 4 महीने मेहनत करके कहते हैं लिविंग रैप बिकॉज आई डिड अ स्ट्रगल, बट मेरे को वो चीज़ नहीं मिली। ये 12 साल गान बनाने के बाद ही इनको ये चीज़ मिली है जो आज ये कर रहे हैं ब्रो। तो 12 साल अगर तू सफ़र कर सकता है, क्या पता तेरे 20 साल लगते हो, अगर तू दिल लगा सकता है तो कर, वरना बकचोदी ना करके एक दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर या 1 2 साल के अंदर जो फेम मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। वन सॉन्ग वंडर होगा फिर, और फिर तू कभी नजर नहीं आएगा। तो खैर ख्वाबों की जीत। और मैंने यूनस को देखा तो मैंने एकदम बंद कर दिया। तो यूनस तो है 2 मिनट 2 सेकंड का गाना, इतना छोटा गाना है, लेकिन पबजी का है तो बड़ी चीज़ है। पबजी का है, पबजी का इन लोगों ने मेरे ख्याल से फ्री फायर का भी किया था, पबजी का भी कर रहे हैं प्रो। ये बहुत बड़ी चीज़ है अगर हिप हॉप के लिए देखा जाए पाकिस्तान के अंदर, ये बहुत बड़ी चीज़ है। पहले रैपर्स बने हैं ये लोग जो हर ब्रांड के पास जा रहे हैं और नाम कमा रहे हैं और फेम कमा रहे हैं, और उनकी वजह से कितने और रैपर्स होंगे जो आगे जाके नेम कमाएंगे, ठीक है ना। बाकी कराची के अंदर हुआ कल, क्या बोलती पब्लिक, दिल खुश है भाई, कल हमारा मैच होगा और कल ट्रॉफी तो हमने जीतनी नहीं, लेकिन दिल खुश, दिल खुश। बाबा जी स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डिंग को, चेक करते हैं कि क्या ऐसा कराची के अंदर हुआ भाई, बाकी सब कुछ छोड़ दो। यस कमांडो बाबा जी। हसन रहीम भी है बीच में ब्रो, नाम आया मैंने भी देखा। अच्छा मेरे को नहीं पता था, इन्होंने नाम ही नहीं दिए है ना बीच उन्होंने, बस Pull up on you with an AK-47, put a bullet in your head. Always lethal with the damage. Yeah. Squad, mera savage art, mera weapon. Haan, konge handle khab, mere heavy raaste ye hain. Shock bana khel, ab yakin yehi manzil hai kareeb. To logon ki ye umeed badi, khabo ki ye jeet. Lage zindagi ajeeb, badi bane rahe teed. Aaj bhi meri feel, wahi hill on the loose. Arrow when you shoot. Yaar, main iska fan hu yaar. Yunus, 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 Vaishi bata. Jab main Vaishi ho gaya na, main pan card lani bola saab kitab. साले का फ्लो के साथ लिरिक्स इतने साफ होते, कोई मंबल नहीं करता। ये चले करीब तो लोगों की ये उम्मीद बड़ी, खाबो की ये जीत लगे जिंदगी अजीब बड़ी, बने रहे ठीक आज भी मेरी फील, वही हिल ऑन द लूज आरो व्हेन आई शूट, व्हेन आई एम इन द बूथ कमिंग विद द ट्रूथ, एवरीबॉडी मूव, हारेंगे कभी नहीं ये कला मेरी, गवा रहे साथ पूरी टीम खड़ी करेगी कंफ्यूज, ट्रिगर दबा दें ये सारे निशाने, बेराहे बनाते हैं अपनों से वादे, हैं वाकिफ हैं चालों से दिल को बहलाने दे, स्टार्टेड फ्रॉम बॉटम ऑफ माय या टैलेंट पे हाथ बांध। जी हाँ ब्रो, टैलेंट पे आए तो इस बेसिकली वैसे कंपटीशन भी हो रहा है, तो वो भी टैलेंट पे आए तो दो चीज़ें इकट्ठी जुड़ गई कि जितने प्लेयर्स आएंगे खेलेंगे और जितने वो खुद भी जो 12 साल लगाए वो भी टैलेंट पे थे। हाँ ओ ब्रो, इस तरह की बीट, इस तरह का रिदम जो लेकर आया था ना, वो एजेंसी के अंदर लेकर आया था, या तो मैंने ये भी सुना है इसका। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, अबे मैं समझा इसकी गर्दन इतनी मोटी होगी, हाइनेक पहनी हुई है इसने। चीज कैन बीट द हसल, आई गॉट द स्किल्स एंड द स्क्वाड एंड द मसल, आओ करो टसल में फसो। ये लोग ने पीछे किसी सिंध के अंदर ही जगह पे किया है, कराची के अंदर 2 बिल्डिंगें भी है यार इस तरह की, शायद मैंने ऐड में देखी थी, एक ही ये 2 ही थी, शीशा टाइप बनी हुई थी, कोई बैंक है मेरे ख्याल से, मैंने देखा था ना, और ये मेरे लगता है कोई सिंध के अंदर ही कोई लोकेशन, रेगिस्तान टाइप, सिंध के अंदर मतलब। मेरे को क्या मजा आता ना ब्रो, ये लाइन हमने सुनी हुई है कि कौन देगा मेरे को हार्ड टाइम, ठीक है ना। वो क्या एक गाने के अंदर बोलता है ना, प्लीज मुझे आके I insist मुझे को आके कोई कंपटीशन दे यार, वो मुतासिर के अंदर था कुछ, तो ये चीज़ें ना सुनी हुई बहन चो, तो मेरे को ऐसे लगता है वो यूज़ इसलिए कर रहा है क्योंकि रैप के अंदर वो है चीज़ ना, तो लेकिन कमर्शियल मार्क चौधरी भैया जी मार्क चौधरी। कौन देगा मुझे हार्ड टाइम, सेमी ऑटोमेटिक उसी जैसे मेरे राइम्स, अपने लिए राहें मैंने खुद ये बनाई, ये है मेरा पैशन, आई वेस्ट माय टाइम, 12 गेज ड्रीम ऑन अ रैम्पेज, यंग लाइक अ सन, छोटे कंपटीशन कौन दे, एनी गिवन डे आई कैन फाइट यू ऑन अ मंडे, ले आ जितने बंदे, यू नो दैट वी रन दिस शो, खाबों की जीत है ये अपने नसीब ऐसे, इस रिश्ते जा रहे उस पे न
पार मिलके चलेंगे सारे हर गली के यही नारे अबे तू आंखें खोल ले यार यूनस, क्रैंच पकड़ ऐसे खींच दे यार इसकी कोई आंखें, खुदा का वास्ता थक गया हूं इसकी आंखें नहीं देखी अपने अरसे से। मजे का था VSS। सो हाँ बेसिकली रेफरेंस वाले रखेगा यार, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ इसके अंदर सारे गाने का निचोरी है कि जितने भी मैंने रैप, भाई मेरे को एक बंदा आगे बोलता है कि भाई हम मेरा रैप नहीं चलता, भोसड़ी के मैं रिएक्शन चैनल बोल रहा हूँ कि मैं तेरे रैप को पुश करूँ, इस तरह नहीं करूँ। ये सारा का सारा जो गाना ना, ये इसके अंदर सिर्फ मोटिवेशन है जो नौजवान पाकिस्तान के अंदर रैपर्स बैठे हैं और मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत के बीच में एक दो महीने की या साल की मेहनत नहीं होती ब्रो, नहीं ऐसे मिलेगा कुछ भी ब्रो। तुम्हें लाखों करोड़ों रुपया कमाना है बाद में, तो खुदा कभी भी किसी को अगले अगर किसी पोजिशन पर लेकर आएगा तो उस पर उसको नोट आएगा, तो उसकी हसल भी देख कर इसको जगह देगा। टाइम लगता है किसी चीज़ पे ब्रो, का टाइम लगेगा, और वायस को इतना टाइम लगा और तुम्हें भी शायद इतना लग सकता है। और तुम अगर मेरे को आगे ये बोलता ना मेरे 300 सब्सक्राइबर हुए थे तो मैंने सारे गाने डिलीट कर दिए, ये कर दिए, ब्रो ब्रो इससे क्या किसका क्या गया, रंडी रोने करने से कुछ नहीं होता ब्रो। ये पूरा गाना एक मोटिवेशन है नए रैपर्स के लिए। कौन सा ब्रांड है जो बहनचोद इन लोगों ने नहीं, हर ब्रांड में घुसे हुए हैं ब्रो, हर ब्रांड में घुसे हुए हैं, कोई चीज़ खोलते हैं उसमें नज़र आ जाते हैं। अब रिसेंटली कॉक स्टूडियो में आ रहे हैं, छड़ दो ब्रो, छड़ दो ब्रो। तुम इसकी एक वीडियो देखना, वायस के चैनल पे थी उस वक्त, इन लोगों ने किसी मार्केट का बहुत पुराना गाना अंजुम ने किया था प्रमोशन, पता नहीं यार उस गाने का नाम तक मुझे भूल गया, तुम्हें याद होगा जिसमें वो शॉपिंग किया ट्राली होती है उसके अंदर बैठा के उसको चौके आगे साथ उसको चला रहा होता है, मुझे भूल गया नाम बता देना। तो उसके अंदर वहाँ से उन्होंने शुरू किया, और उससे भी पहले करते होंगे लेकिन एक थोड़ा बहुत अच्छा प्रॉपर बना, उसके बाद आहिस्ता 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 करके 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 बना ब्रो। तो तुम लोग भी भोसड़ी बोले इतना डीमोटिवेट ना होकर, अभी सनी खान दुरानी को वो शाबा सलमी वाले चुक गए, ये खुद अंजुम इस्लामाबाद से आ रहा है, वो कराची से आ रहा है, दोनों ने पैसों का है बंदोबस्त किया। तुम लोगों का भी टाइम आएगा ब्रो, सिर्फ वो फोकस करो। वो फादी भी वहाँ पे कर रहा है, ये मैं बात इसलिए नहीं कर रहा कि खाली यंगस्टर, सारे तुम लोग कोशिश करो ब्रो, बनेगा तुम्हारा, हम तुमसे व्यूज चोरी करेंगे, भोसड़ी वालों क्या कर रहे हो तुम, क्या बोलती पब्लिक। सो हाँ मज़ेदार है ब्रो, और मैनू यूनस यार, यूनस यूनस यू आर माई ब्रदर, यू आर माई ब्रदर फ्रॉम रदर क्या अनदर मदर बोला सीन है। बताओ लोगों किसी अगली वीडियो पे, खूबसूरत है ब्रो, मोटिवेशन ही मोटिवेशन है एक आर्टिस्ट के लिए और उस बंदे के लिए जो वाकई में आने वाले वक्त में कुछ बनना चाहता है। बाबा जी यस कुमार।